हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिस। आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ मैं कि इंग्लिश के बारे में डिस्कस करूँगा। इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, बेसिकली मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ यार इंग्लिश के। तो उससे पहले मैं बता दूँ मैंने कहाँ से नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो मैंने इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं, मैंने अनअकैडमी से बनाए थे। अनअकैडमी पे एक मैं पढ़ा दिया परनीत को, यूट्यूब पे भी है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो सिर्फ मैंने उन्हीं से नोट्स के बनाए। मैंने मतलब ट्राई तो करा, तरानी मैम के भी नोट्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं उन्हीं के नोट्स हमेशा सजेस्ट करता हूँ। जो वोकेबलरी जो पढ़ाती थी परनीत मैम, मतलब वो नेक्स्ट लेवल होती थी। वो एकदम रटा देती थी चीज़ों को, जैसे वो हर वर्ड के साथ एक ट्रिक बता देती कि जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बताऊँ मैं, कंपेंडियम था एक वर्ड कि जिसमें कंपेंडियम का मतलब होता है कि जिसमें कम पेन चलाना पड़े, ऐसे पढ़ाती थी वो। कंपेंडियम का मतलब ब्रीफ होता है, ठीक है। ऐसे उन्होंने जितने भी वर्ड्स ना, हर चीज़ का एक बेसिक सी एक ट्रिक बता दी थी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हर चीज़ की ट्रिक याद नहीं हो सकती, लेकिन ये ट्रिक नहीं है, ये एक सिंपल से उन्होंने लॉजिक सा लगा के सारी चीज़ सारे वर्ड्स समझाए थे, ठीक है। और ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने पिक करे थे और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैक्सिमम जितने भी हो सकते थे वो मैंने मतलब उसमें से भी काटा छाटी करके अपने जो मतलब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैंने वो लिखे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। जो याद करने में भी आपको इजी होंगे, जैसे एक वर्ड के 4 से 5 सिनोनिम, 4 से 5 एंटोनिम। तो ऐसे आप करके याद करोगे तो आपको ज़्यादा वर्ड्स याद रहेंगे। और उसमें 300 अराउंड ये वोकेबलरी है मेरे ख्याल से, ईडियम वगैरह भी मिक्स है। तो मैं सोचूँ यार वही आपको प्रोवाइड कर दूँ। काफ़ी टाइम से कह भी रहता है कि इंग्लिश के वोकेबलरी प्रोवाइड करूँगा मैं, मतलब पीडीएफ मेरे नोट्स। तो बस ये मैंने ये चीज़ बता दी आपको कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कोई वर्ड है, उसका एक तरीके से उसका मीनिंग तो वैसे यार मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन हर वर्ड के साथ सिनोनिम एंटोनिम्स हैं उसके, 4 5 4 5। तो ऐसे आपको याद करोगे तो उसके बाहर आपको बहुत ही कम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के, अगर आपके फिर भी लगता है कि न्यू क्वेश्चंस मतलब न्यू वर्ड्स आते हैं, तो आप अलग से उसमें नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको ब्लैक बुक पढ़ सकते हो तो उससे बढ़िया चीज़ तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि ब्लैक बुक वो मोटी बुक है। तो आप मेरे नोट्स मतलब नोट से पढ़ सकते हो। मतलब उससे मेरी काफ़ी वोकेबलरी इंप्रूव हुई थी, मेरे को काफ़ी वर्ड्स पता होते हैं, ठीक है। फिर भी जो वर्ड्स मतलब नए आते हैं उनको ऐड ऑन कर लिया करो। ये मत सोचा करो कि कोई भी अगर पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें सब कुछ होना चाहिए। जो भी नए वर्ड्स आते हैं मॉक्स में आते हैं उनको ऐड ऑन कर लो, ठीक है। बस मेरे को यही बताना था इसमें। और मॉक्स में कल जो ओली बोर्ड का मॉक था, फिर उससे पहले भी आता है, उसकी भी चीज़ें बताता हूँ थोड़ी सी। कि जो इंग्लिश आ रही है 2 3 मॉक्स है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट और इरेलीवेंट, मतलब इरेलीवेंट सी लग रही है मुझे, ठीक है। तो उसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर इंग्लिश में थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं। देखो सबसे पहले तो इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव करना बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है। टाइम लगता है इंग्लिश के मार्क्स इंप्रूव होने में, ठीक है। किसी मॉक में मेरे मतलब मेरे अच्छे मार्क्स रहते हैं, किसी मॉक्स में कम मार्क्स रहते हैं। और फिर मतलब बच्चे मेरे को कहते हैं कि आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसमें कम मार्क्स रहते हैं उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब एक रीसेंट इंग्लिश है मेरी, इतनी मैं मानता हूँ। लेकिन मॉक्स पे डिपेंड करता है मेनली ये चीज़ कि मॉक कैसा आता है। जो एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है वो इतनी मुश्किल नहीं आती है, तो उसके लिए जो वोकेबलरी आपको पढ़नी है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ब्लैक बुक पढ़ सकते हो तो वो आपके लिए मतलब बेनिफिट करेगी करेगी, ठीक है। तो चलिए बाय।